अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज पंजाब में मैं हूं वकास वलाना। लाहौर वाले हो जान होशियार, क्योंकि हुन ना सिर्फ चलान होएगा बल्कि मुकदमा भी दर्ज होएगा। लाहौर दे विच बिलखसूस पूरे पंजाब ते स्पेसिफिकली लाहौर दे विच ऐसे लोग कानून की खिलाफवर्जी यानी ट्रैफिक के असूलों की खिलाफवर्जी करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर 2020 दे विच वेख्या जाए तो 6,26,713 मोटरसाइकिल साइकिल ते लोग हैलमेट नहीं पा रहे, उन्होंने चलान हुए ने। 1,47,156 जिहड़े लोग ने वह वायलेट कर रहे हैं वन वे के असूल में, जिदी वजह तो 1,47,156 लोगों के चलान हुए हैं। फिर तीसरे नंबर पर अगर गल की जाए 41,359 ई टिकट्स इशू किए गए हैं जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल की वायोलेशन की है। 44,319 जड़े ने मोबाइल फोन यूज़ करते हैं ड्राइविंग के दौरान, उन्होंने चलान हुए हैं। 13,574 जड़े लोग ने उन्हें सीट बैल्ट नहीं पाई, उन्होंने चलान हुए हैं। 49,161 जड़े लोग ने उन्होंने लेन की खिलाफवर्जी की, उन्होंने खिलाफ जड़ा ने चलान होया है। 6,449 जड़े ने हैवी व्हीकल दे विच ओवर स्पीड की गई है। 2,453 जड़े ने ओवरलोडिंग पैसेंजर है, उन्होंने चलान हुए ने। 11,340 जड़े ने ओवरलोडिंग गुड्स यानी जी अशिया खरीदो फरोख्त वास्ते होंगी है, उन्होंने चलान हुए ने। 7,961 जड़े ने 2020 की मैं गल कर रहा, जड़े विदआउट लाइट यानी रात को अगर जा रहे हैं तो लाइट ठीक नहीं आएगी, उन्होंने चलान किए ने। लेकिन हुन चलान तो बहुत ज़्यादा हो गए ने, 31,992 जड़े ने ट्रैफिक दे फ्लो जड़ी है उन्हू मुतासर करन दे हवाले ना उन्होंने चलान हुए ने। 15,175 जड़े ने वो तेज़ ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्होंने चलान हुए ने। इस तरह पूरे का पूरा एक डेटा मेरे को पिया होया, लेकिन लोग फिर बास नहीं आ रहे। 2021 आ चुके हैं, चलान हुन तक किन्ने हुए ने, तो हुन अगर चलान होन दे तो मजीद CTO साहब की करन दे। ए जड़े वो कह रहे हैं कि संगीन खिलाफवर्जियां ते मुकदमात दर्ज होंदे, किस नोयत दे मुकदमात होंदे, इन्हां दा की तरीकेकार मुकदमात दा होएगा, इहदी सज़ा किन्नी है, ते ट्रैफिक दी रवानी नूं बेहतर करन वास्ते की चलान ते सज़ा ही काफ़ी है, या जड़े दूसरे प्रोग्राम ने लोगों की आगाही वास्ते वह भी चल रहे हैं। तो वेख्या तुसीं पिछले दिनों दे विच मुल्तान दे विच एक वाकया पेश आया, एक बच्चा जड़ा ना वो वड्डी गड्डी लैके बाहर निकल गया। लाहौर दे विच भी अंडर एज जड़े बच्चे ने छोटे, तो हले तक कोई ऐसा सोशल मीडिया से वायरल नहीं होया, लेकिन अंडर एज बच्चे जड़े ने वो भी आते हैं। फिर काले शीशे जड़ा बड़ा रुझान है लाहौर दे विच, एंट्री तो भी पहले तो दूसरी पुलिस रोकती है लेकिन फिर भी लोग एंटर हो जाते हैं। उस तो बाद काले शीशे वास्ते कितना क्रैकडाउन कर रहे हैं। CTO साहब सैयद हमाद आबिद साढ़े ना मौजूद है, बहुत शुक्रिया CTO साहब। CTO साहब सबसे पहले बताइएगा ये बड़ा जो मसला है लाहौर दे विच, कैड़ा तुसी समझदे हो कि सारे ना वड्डा मसला है ट्रैफिक दे हवाले नाल? जी ट्रैफिक दे हवाले नाल काफी मसाइल हैगे ने। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज दी जिहड़ी व्हीकलर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वध गई है जी, ते रोड्स दी इन्नी कैपेसिटी नहीं हैगी कि इन्नी ज्यादा व्हीकल्स नो डिफरेंट ऑल कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स एंड ट्रैफिक मिक्स नो केटर कर सके, नंबर 1। दूजा है कि जी वायलेशन की अगर गल की जाए तो सब तो ज्यादा वन वे वायलेशन जी है ने मौलिक हादसा का मुझे बनती है, दैट इज अ चैलेंज। दूजा तुसी भी जिक्र किया होनी जी अंडर एज ड्राइविंग है, वो साढ़े वास्ते चैलेंज है, वो वास्ते स्पैशल असं इकदाम कर रहे हैं। तो नफरी नू अगर वेख्या जाए तो दैट इज ऑलसो अ कंस्ट्रेंट कि इन्नी ज्यादा आबादी इन्नी ज्यादा व्हीकलर पॉपुलेशन को केटर करने वास्ते जी सा मैन पावर है वो मुताबकत नहीं रखती जी। ठीक, तो एक अंदाजे मुताबिक लाहौर दे विच जी ट्रैफिक की रवानगी जी दूसरे शहरों चो आती है वह कितनी है जी? इट इज अ रफ एस्टीमेट, तकरीबन 0.5 to 0.7 मिलियन डेली कम्यूटर्स है ने जी जे लाहौर शहर के, मतलब 5 to 6 lakh या 7 lakh लोग डेली आते हैं अपने कारोबार वास्ते रोजगार वास्ते, तो दैन दे गो बैक इन द ईवनिंग जी। ठीक, अच्छा सर यह जो पूरे का पूरा 2020 का डेटा है, एक तो करोना की वजह तो एक पीरियड जो पूरा सी उते ट्रैफिक उस तरह रवानी होती हुई नहीं, उस तो बाद लेकिन फिर भी 6,26,713 मोटरसाइकिल से लोग हैलमेट नहीं पा रहे, उसके ऊपर चलान हो गए हैं, मतलब हैलमेट जो है यह नंबर 1 पर आ रहे, यह सब ना बड़ा इशू है जी। हैलमेट के उत्ते असी बहुत ज़्यादा फोकस किया बिकॉज साड़ी मेन प्रायोरिटी है सी कि हेड इंजरीज रिड्यूस की जाए, कि अलहमदुल्ला बाय एंड लार्ज असी कामयाब हुए थे, कोई तकरीबन 22 के करीब फेटल एक्सीडेंट्स 2020 अगर कंपैरिजन किया जाए 2019 तो वो रिड्यूस हुए, तो बहुत ज़्यादा असी तुहानू पता है कि पहले कोविड की वजह नाल असी चलानिंग रिड्यूस कर दी सी, लेकिन जिवें लॉकडाउन खुलिया तो ट्रैफिक बहाल हुई तो असी सितंबर के अपनी चलानिंग स्टार्ट की, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर अलहमदुल्ला लोगों को एजुकेट भी किया, एजुकेशन कैंपेन भी चलाई, तो जिवें फिगर्स दसे ने 600,000 6 lakh तो ज्यादा असी फाइनस किए,
कोशिश यही सी कि हेड इंजरीज नू रिड्यूस किया जाए तो लोगों नू कायल किया जाए कि हेलमेट्स इस्तेमाल करन। तो हुण तुसी की समझदे हो किन्ने परसेंट तुसी समझदे हो कि लाहौर दे विच जिहड़े लोग ने वह हैलमेट दे उत्ते आफ्टर 6 लाख जिहड़े उन्हां दे चलान होए ने उस तो बाद उन्होंने अमल किया। अगर बाहर नज़र दौड़ाई जाए तो बड़े 100 दे विचों जिहड़े ने तकरीबन 90 लोग ने हैलमेट तो बगैर ही जा रहे होंदे ने। जी वो इस तरह है कि बिल्कुल एजुकेशन का फुकदान है। असी जिन्हें रिसोर्स ने असी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन साडा ज़्यादातर जिहड़ा एम्फेसिस मॉडल रोड जिहड़ियां 11 या 12 मॉडल रोड डिक्लेयर हुई ने उन्होंने उत्ते असी क्योंकि हर पूरे शहर के फोकस होंदा रेगुलेशन भी की जाए नाल इनफोर्समेंट भी की जाए तो असी जिवें रश होंदा है कंजेशन है किसी पॉइंट के उत्ते साडा फोकस शिफ्ट होंदा है रेगुलेशन के उत्ते तो उस टाइम तो चलानिंग नहीं होंदी ऑब्वियसली। तो अगर चलानिंग असी शुरू कर दईए तो बाकी रेगुलेशन ना करिए तो वह भी डेफिनेटली ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी बोलो मैं तुम्हें तो कह रहा कि जो 6 लाख चलान हुए ने नो डाउट तुम कह रहे हो कि एक तो लोग हेलमेट नहीं पाते हेड इंजरी ने 2019 के मुकाबले 2020 कह रहे हो कि हेड इंजरी कम हुई है क्योंकि तुम चलान ज़्यादा किए आगाही दी। लेकिन दूसरी तरफ आवाम का कहना है वे क्योंकि तुम एक कोटा पूरा करना होंगे वड्डिया गड्डिया उस तरह नहीं फड़ते तो इस पर मोटरसाइकलों पर हाथ ज़्यादा पाते हो इस पर उन्हों की तादाद ज़्यादा है हैलमेट का या तो सख्त यहोजा कानून हो 200 रुपया 300 रुपया चलान करते होंगे लोग समझते हैं कि ठीक है अज फड़िया गया कल बच जावगा परसों फड़िया जाएगा फिर अगों बच जावगा इस पर लोग अमल नहीं करते। अच्छा बिल्कुल भी एक तो मिस कंसैप्शन मिस नॉर्म हैगी है कि सानू कोई टारगेट दिता जाता है। मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए ने ट्रैफिक वार्डन की परफॉर्मेंस में जांचने वास्ते उदे विच चलानिंग इज नो क्राइटेरिया ठीक है उदे होर क्राइटेरियाज असी बनाए ने तो मिस नॉर्म हैगी है बिल्कुल भी कोई चलान नहीं होंदा ना गवर्नमेंट सानू पुछदी है ना कोई कंपैरिजन होंदा है। साडा टोटल मोटरसाइकिल्स दे चलान इस वास्ते ज्यादा होंदे ने जिवें 6.5 मिलियन 65 लाख गड्डी रजिस्टर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स लाहौर टैक्सेशन दे डेटा दे मुताबिक जिहदे विचों 42 तो 43 लाख जिहड़े मोटरसाइकिल ने ऑब्वियसली अगर मोटरसाइकिल सब तो ज्यादा नंबर दे विच हैगे ने तो उन्हां दी चलानिंग भी कंपैरेटिव रेशो अगर कोरिस्पोंडिंग रेशो वेखी जाए तो ऑब्वियसली उन्हां दे चलान मोटरसाइकिल दी वायलेशन भी ज्यादा होणगियां तो ऑन ग्राउंड होंदियां भी सब तो ज्यादा वायलेशन मोटरसाइकलिस्ट दी हैगियां तो साडा फोकस ऑब्वियसली होंदा है। तो उस तो इलावा गड्डियां दे भी चलान होंदे ने हुण ते असीं सो मच सो के FIRs भी कर रहे हैं जिहड़े भी इलीगैलिटी कमिट करदा है फ्लैश लाइट्स ला रहे ने नीली बत्तियां ला के फिर रहे ने लोग गैर नमूना नंबर प्लेट्स ने तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद अ कैंपेन जिहदे विच असीं FIRs भी इंट्रोड्यूस कराईआं ने जी। ठीक ठीक तुसीं कह रहे हो कि मिसकनसैप्शन है लेकिन नाल दस दिओ जी जिहड़ी गड्डी है उहदे विच भी दो कैटेगरी ने वड्डी गड्डी ते छोटी गड्डी कहिंदे ट्रैफिक वार्डन इन्ना इंपावर्ड नहीं हैगा कि वड्डी गड्डी या जड़ा पता लगे कि प्रोटोकॉल दी गड्डी है उन्हूं हाथ नहीं पाएगा यह भी मिसकनसैप्शन है या हो रहा है? नहीं वो ऑब्वियसली एक एलीमेंट एक फैक्टर इस तरह का होंदा है बंदे दे दिमाग दे विच जिवें साडी सोसाइटी है जिवें साडा कल्चर है लेकिन अलहमदुलिल्लाह इत्थे वड्डी गड्डियां दे भी चलान होंदे ने ते इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टाइप ऑफ व्हीकल हर किस्म दी गड्डी दे चलान हो रहे ने हुणी भी असीं कोई वड्डी गड्डियां नहीं प्रोटोकॉल दियां गड्डियां चल रही सी असीं हुणी रीसेंटली FIR हुणी कीती है सानूं भी कॉल्स वगैरह आ रही सी लेकिन यह है कि भी आवर ट्रैफिक वार्डन डिड अ गुड जॉब ते असीं भी सपोर्ट करीदा ते ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी जी सानूं। अच्छा तुसीं कहा कि मुकदमात भी दर्ज होंदे अगर संगीन खिलाफ वर्जी किहड़ी लाहौर दे लोगां वास्ते दस दिओ कि संगीन खिलाफ वर्जी हैगीआं ने जिन्हां दे उत्ते मुकदमात यानी FIR तक दर्ज होएगी। अच्छा इस तरह है कि CCPR साहब ने बड़ी एक जबरदस्त एफर्ट लाहौर पुलिस ने कैंपेन शुरू की थी उन्होंने डायरेक्शन के उत्ते वो यह है कि लोग बहुत ज़्यादा जेडे मोटर बाइक्स ने वो कमिट करते हैं क्राइम मैक्सिमम अगर डेटा स्टडी किया गया एनालिसिस किया गया तो उन्होंने रेशो के सब तो ज़्यादा क्राइम कमिट होता है रॉबरी हो गई स्ट्रीट क्राइम हो गया उस मोटरसाइकिल इस्तेमाल होंगे ने तो वह नॉर्मली टैंपर्ड नंबर प्लेट्स गैर नमूना गलत नंबर प्लेट्स लाते हैं नंबर हिंसे छुपाते हैं तो असी ऑलरेडी फिगर्स दसिया ने हम असी एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी इख्तियार की है क्राइम भी रिड्यूस होए लोगों के इंपैक्ट भी होए तो वह कानून के दायरे के अपने आप को लैके आन तो जिहड़ी भी नंबर प्लेट गैर नमूना है खा वो गड्डी से लगी होए टैंपर्ड नंबर लाया होए इंपरसोनेशन की होए नीली बत्तियां लाइया होन ते असी अंडर 112 112 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ते 420 दे परचे नाल ऐड करके असी दे रहे ताकि इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट ते लोग मुहतात रहन ते क्राइम भी रिड्यूस होए जी। लेकिन तुसी ए नहीं वेख्या जड़ी एक रोड दे उत्ते चल रही होई है मोटरसाइकिल दे उत्ते
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਫਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਗਰ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਥਾਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 112 ਜੀ ਜੀ 112 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 112 ਐਮਵੀਓ ਸਟੇਟਸ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਹੀਕਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਰਸਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਦਫਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਿਗਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਲੇਟਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਗੈਰ ਨਮੂਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰਾਈਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਵੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡਨ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਵਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 8787 ਤੇ PMDU ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ CCPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 111 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜੀ ਠੀਕ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੈਟਰੈਂਟ ਸਾਡੀ 17 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਡ ਫਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਨੇ ਜ਼ੇਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੇਨ ਲਾਈਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲਸ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਓਵਰਆਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁਸਬਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ CTO ਲਾਹੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।